चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं कुछ सिक्स स्टेजेस ऑफ लाइनक्स बूट प्रोसेस स्टार्टअप सिक्वेंस लिनक्स लाइनक्स बूट प्रोसेस क्या है देखते हैं जैसे कि आप आ, कुछ पावर बटन प्रेस करते हो अपने सिस्टम पे और आपको एक स्क्रीन आती है लाइनक्स लॉगिन की प्रॉम्प्ट वाली जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है तो आपने कभी ये वंडर किया है आपको कभी ये आ, पता चला है कि यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है वो कैसे होता है एग्जैक्टली लॉग इन के स्क्रीन तक का पावर बटन प्रेस करने के बाद तक का तो वो एक्चुअली होता है सिक्स हाई लेवल स्टेजेस ऑफ अ टिपिकल लाइनक्स बूट प्रोसेस तो जो छः लेवल से आप उसको गुजरना पड़ता है बूटिंग की प्रोसेस को लेकर लाइनक्स को आपको स्क्रीन लाने तक तो वो देखते हैं संक्षिप्त में तो वो क्या है पहला है बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पे एम एग्जीक्यूट होता है दूसरा है एम बी आर मास्टर बुट रिकॉर्ड यहाँ पे ग्रब एग्जीक्यूट होता है ग्रब ये तीसरे नंबर पे आता है ये है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर एग्जीक्यूट्स कर्नल यहाँ पे कर्नल एग्जीक्यूट किया जाता है और कर्नल में एग्जीक्यूट किया जाता है एस बी आई एन आई एन आई टी इनिट जो है जो जो पाँच नंबर पे आता है ये जो स्टेज है यहाँ पे रन लेवल के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट जा किया जाता है और रन लेवल जो सिक्स इसका स्टेज है लिनक्स बुट प्रोसेस का यहाँ पे आ, ये रन लेवल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है etc.rc.t टी सी आर सी डॉट डी आर सी स्टार डॉट डी तो इसको हम डिटेल में देखते हैं तो पहला प्रोसेस है इस पहला स्टेज है बायोस बायोस में क्या होता है बायोस stands फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसे कि आपको पता ही है हार्डवेयर क्या काम करता है परफॉर्म्स सम सिस्टम इंटीग्रिटी चेक्स ये कुछ सिस्टम के इंटीग्रिटी चेक्स करता है जैसे कि इसको कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है वो डिटेक्ट करता है वो सर्चेस करता है लोड्स करता है और एग्जीक्यूट करता है बूट लोडर प्रोग्राम को सो इन सिंपल टर्म्स लोड्स एंड एग्जीक्यूट दी आर बूट लोडर मतलब सिंपल टर्म्स में MBR को MBR के, uh, को के बूट लोड करता है तो दूसरा है एम बी आर एम बी आर स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड इट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क आपका जो भी बूटेबल डिस्क है उसके फर्स्ट सेक्टर में एम लोकेट होता है टिपिकली डी ई वी एच डी ए और आपने डेव एच डी ए फोल्डर देखा ही होगा लिनक्स में एम बी आर इज़ लेस देन फाइव एन ट्वेल्व बाइट्स इन साइज दिस हैज थ्री कंपोनेंट्स प्राइमरी बूट लोडर इन्फो इन फर्स्ट फोर फोर सिक्स बाइट्स मतलब ये फाइव ट्वेल्व बाइट्स का पूरा साइज़ आता है एम बी आर का और प्राइमरी बूट लोडर में इनका फर्स्ट फोर फोर सिक्स बाइट्स का इन्फो रहता है सेकंड पार्टीशन टेबल में इनका 64 फोर बाइट्स का रहता है और थर्ड यम बी आर वैलिडेशन चेक इन लास्ट टू बाइट्स जो लास्ट दो बचे बाइट है उसमें इनका एम बी आर का वैलिडेशन चेक होता है इट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रब और लिलो इन ओल्ड सिस्टम्स यम बी आर लॉर्ड्स एंड एग्जीक्यूट द ग्रब बूट लोडर आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रब को कैसे एग्जीक्यूट करता है तो जैसे मैंने बताया बूट लोडर प्रोग्राम कोड 440 बाइट्स का डिस सिग्नेचर के लिए फोर बाइट जाते हैं पार्टीशन आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और फोर मतलब ये पार्टीशन टेबल फोर एंट्रीज है सिक्सटी फोर बाइट्स की और एम सिग्नेचर वैलिडेट करता है टू बाइट्स की साइज में तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड ये सेकंड स्टेज पे आता है इसका ये डिटेल रहा तीन नंबर पे आता है दोस्तों ग्रब ग्रब स्टैंड फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर इफ़ यू हैव मल्टीपल कर्नल इमेजेस इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम यू कैन चूज विच वन टू बी एग्जीक्यूटेड अगर आपके सिस्टम के ऊपर मल्टीपल कर्नल इमेजेस है तो वो आपको प्रेजेंट uh, करता है आपको ऑप्शन देता है कि विच वन टू चूज टू बूट फ्रॉम ग्रप डिस्प्लेस अ स्प्लैश स्क्रीन वेट्स फॉर फ्यू सेकंड्स इफ़ यू डोंट एंटर एनीथिंग इट लोड्स द डिफॉल्ट डिफॉल्टनल इमेज एज स्पेसिफाइड इन द ग्रप कॉन्फिग्रेशन फाइल ग्रप आपको अगर मल्टीपल इमेज uh, से लॉग इन करना है तो आपको शो करता है कुछ सेकंड्स वेट भी करता है अगर आपने कोई चॉइस uh, नहीं किया uh, किस इमेज uh, में आपको लोड करना है बूट करना है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो डिफॉल्ट है उससे वो लॉगिन कर देता है ग्रप हैज़ द नॉलेज ऑफ द फाइल सिस्टम ग्रप के पास फाइल uh, सिस्टम का नॉलेज रहता है जो कि uh, पुराने uh, uh, जो लिनक्स लोडर थे लिलो जिसमें uh, नहीं हुआ करता था वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे फाइल सिस्टम को ग्रप कॉन्फिग्रेशन फाइल इज़ बूट ग्रब ग्रप डॉट कॉन्फ यहाँ पर देख सकते हैं ई टी सी ग्रब डॉट कॉन्फ इज़ अ लिंक टू सैम्पल ग्रप डॉट कॉम सेंट ओ एस तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका एक एग्ज़ाम्पल एक सैम्पल दिया है डे एस डी ए डिफॉल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम आउट इज इक्वल टू फाइव फाइव सेकेंड्स तक वो वेट करेगा uh, उसके बाद स्प्लैश इमेज के लिए वो uh, आपको शो करेगा कि, कि uh, कौन सी इमेज के ऊपर आपको लॉग इन करना है तो यहाँ पे वो स्प्लैश करेगा स्क्रीन तो ये है उसका तो इसका एग्जांपल भी देखिए फॉर एग्जांपल आपको ऐसे स्क्रीन पे आ सकता है ओबन टू एडवांस ऑप्शन फॉर ओबन टू विंडोज बूट मैनेजर ऑन अदर लिनक्स वर्जन तो ये इस टाइप का ग्रब uh, आपको स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन देता है चौथे स्टेज पे है कर्नैल माउंट्स द रूट फाइल सिस्टम एज स्पेसिफाइड इन द रूट इज इक्वल टू इन ग्रब डॉट कॉम ये क्या करता है रूट फाइल सिस्टम को माउंट uh, करता है कर्नल कर्नैल एग्जीक्यूट दी एस बी आई एन आई निट प्रोग्राम करनेल आइनिट इनिट जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है सिंस इनिट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड बाय लिनक्स कर्नेल इट हैज़ द प्रोसेस आई डी पी आई डी ऑफ वन डू एज पी एस माइनस ई एफ ग्रेप आई निट एंड चेक द पी आई डी init RD Matlab initRD RAM disk init ram disk stands for initial ram disk. InitRD is used by kernel as temporary root file system uh, until kernel is booted and the real and the real root file system is mounted. It, it also contains necessary drivers compiled inside which helps it to access the hard drive partitions and other hardwares. तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कर्नेल सीपीयू मेमोरी एंड डिवाइसेस तो ये हार्डवेयर जो डिवाइसेस है सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इसके बीच में कर्नेल का काम होता है तो कर्नेल मोस्टली क्या करता है जो भी आईनेट का जो प्रोग्राम है उसको इनिशिएट करता है तो यहाँ पे करनेल में आईनेट का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है इट ऑल्सो कंटेंस नेसेसरी ड्राइवर्स इसके पास इसके पास जो जरूरी ड्राइवर्स है जो कि बूट के लिए जो पार्टीशन में रहते हैं वो इनके पास रहते तो पांचवा पाँचवा स्टेज है आईनेट द आईनेट प्रोसेस आईनेट में आप देख सकते हैं माउंट रूट एंड अदर फाइल सिस्टम्स यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम्स को माउंट किया जाता है स्टार्ट सर्विसेज होती है स्टार्ट गेटी एंड डिस्प्ले मैनेजर तो यहाँ पे डिस्प्ले मैनेजर को स्टार्ट किया जाता है लुक्स एट द ए टी सी यूनिट टैब फाइल टू डिसाइड द लिनक्स रन लेवल यहाँ पे आपको लिनक्स का रन लेवल पता चलता है फॉलोइंग आर दी अवेलेबल रन लेवल्स जीरो हॉल्ट मतलब स्टॉप करने के लिए फर्स्ट नंबर पर सिंगल यूजर मोड है सेकेंड नंबर पर मल्टी यूजर विदाउट एन एफ एस थर्ड नंबर पर फुल मल्टी यूजर मोड मोस्टली अपना लिनक्स का जो रन लेवल अगर आप चेक करो तो आपको नंबर थ्री मोस्टली मिल जाएगा फोर नंबर पर है अनयूज फाइव नंबर पे एक्स इलेवन और सिक्स नंबर पे है रिबूट अगर आप आई एन आई ए आई एन आई टी यूनिट स्पेस सिक्स देते हो तो आपका लिनक्स uh, का सिस्टम रिस्टार्ट होता है जीरो करते हो तो शट डाउन होता है इनिट आइडेंटिफाइज द डिफ़ॉल्टिट लेवल फ्रॉम ए टी सी यूनिट टैप एंड यूजेज दैट टू लोड ऑल अप्रोपराइट प्रोग्राम्स तो ये आप नंबर वाइज उसको अप्रोपराइट प्रोग्राम का उसको प्रोसेस कर सकते हैं टिपिकली यू वुड सेट द डिफ़ॉल्ट रन लेवल टू आइदर थ्री और फाइव तो टिपिकली मैंने जैसे बताया थ्री और फाइव आपको अगर आप रन लेवल चेक करो तो आपको थ्री और फाइव पता चलेगा मिल जाएगा तो यहाँ पे ज्यादातर वो वो इस रन लेवल पे रहता है सिक्स स्टेज है दोस्तों रन लेवल प्रोग्राम्स वेन द लिनक्स सिस्टम इज बूटिंग अप यू माइट सी वेरियस सर्विसेज गेटिंग स्टार्टेड फॉर एग्जाम्पल इट माइट से स्टार्टिंग सेंड मेल ओके दो आर दी रन लेवल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द रन लेवल डिरेक्ट्री एज डिफाइंड बाई जो ले आपने रन लेवल डिफाइन किया है लिनक्स के अंदर उस उसको कंसिडर करते हुए रन लेवल प्रोग्राम स्टार्टअप होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डिफॉल्ट इनट लेवल सीटिंग द सिस्टम विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग डरेक्टरीज तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रन लेवल जीरो वन से लेकर सिक्स तक है और ये आ, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो में क्या होता है शट डाउन शट डाउन दिस्टम वन में सिंगल यूज़र मोड होता है जो मेंटेनेंस मोड के लिए आप ये रन लेवल पे आपके ओएस को लेकर जा सकते हो नंबर टू पे मल्टी यूज़र मोड है डज नॉट कॉन्फिगर नेटवर्क इंटरफेसेस यहाँ पे इस मोड पे आप नेटवर्क इंटरफेसेस को कॉन्फिगर नहीं कर सकते हो तीन नंबर पे मल्टी यूज़र मोड विथ नेटवर्किंग स्टार्ट सिस्टम नॉर्मली विथ ऑल द सर्विसेज टेक्सट मोड इंटरफेस जैसे कि आप जी मोड पे लिनक्स की ओएस इंस्टॉल कर सकते हो और टेक्स्ट मोड इंटरफेस के मोड पे कर सकते हो जिसमें आपको पूरा कमांड लेवल ही दिखेगा कोई ग्राफिकल आपको पिक्चर नहीं दिखेगा तो वो जो मोड है वो मल्टी यूज़र मोड है विथ नेटवर्किंग जो कि जिस लेवल पे मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे चार नंबर पे एन मतलब यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया है पाँच नंबर पे एक सिलेवन एज रन लेवल थ्री प्लस जी अगर आप पाँच नंबर के मोड पे जाते हो तो आपको रन लेवल थ्री प्लस जी मिलेगा मैं जै, मैंने जैसे बताया कि रन लेवल थ्री पे आपको जी ओ नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको जी और टेक्स्ट मोड दोनों मोड आप रन लेवल फाइव पे कर सकते हो सिक्स अगर आप प्रेस करते हो तो रिबूट रिबूट्स सिस्टम यहाँ पे आप इनिट स्पेस सिक्स करते हो तो आपका लिनक्स सिस्टम रिबूट हो जाता है अंडर द ए टी सी आर सी डॉट डी डरेक्टर यू वुड सी प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट विथ एस एंड के अगर इस डरेक्टर के अंदर आप प्रोग्राम्स को चेक करो तो आपको एस एंड के से स्टार्ट हुए मिलेंगे मतलब प्रोग्राम स्टार्ट विथ एस आर यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप एस फॉर स्टार्टअप एंड सेम प्रोग्राम स्टार्ट विथ के आर यूज ड्यूरिंग शट डाउन के फॉर किल मतलब जो भी स्टार्ट होता है प्रोग्राम तो यस नाम से स्टार्टअप 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 दिखेगा जब हम शट डाउन करते हैं तो कैसे वो किल करता है हर एक प्रोग्राम को और सिस्टम शटडाउन हो जाती है तो ये सिक्स स्टेजेस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई इंटरव्यू भी देना है आपको फ्यूचर में लिनक्स बेस पे आपको कुछ गेन करना है तो आपको ये छह स्टेजेस आपको पता होना बहुत जरूरी है थैंक यू दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग